राजा भैया के हौसले को तोड़ने का प्लान अपने ने ही कर दिया ऐलान। भानवी ने राजा भैया के भाई को ललकारा, दावा करने लगी नियति चक्र चल चुका है। राजा भैया के भाई अक्षय प्रताप सिंह का आया करारा प्रहार। भानवी को कहा कुछ ऐसा, न सिर्फ कुंडा बल्कि यूपी में होने लगी चर्चा। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने अपने पति राजा भैया के चरित्र पर सवाल उठाया था। बड़े बड़े दावे किए थे, बड़ी बड़ी बातें कही थी, अब उसका परिणाम सबके सामने है। अब एक बार फिर से राजा भैया को तोड़ने के लिए भानवी ने उनके दाएं हाथ कुमार अक्षय प्रताप सिंह को घेरने का प्लान बना लिया। कहने लगी नियति चक्र चल चुका है। भानवी का ये कहना ही था कि कुंवर अक्षय प्रताप सिंह का भी उनके बार पर पलटवार आ गया। खुले तौर पर कहने लगे, हम डरते नहीं हैं, कुछ भी कर लीजिए, जीतेंगे तो हम ही, जीतेंगे तो राजा भैया ही। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अपने पति राजा भैया के साथ तलाक मामले को लेकर चर्चाओं में रहने वाली भानवी सिंह ने धोखाधड़ी के आरोप में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने 30 सितम्बर 2022 को लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ एक तहरीर दी थी। अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होने पर भानवी सिंह एमपी एमएलए कोर्ट पहुंची। बता दें कि एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह राजा भैया के भाई हैं। गौरतलब है कि 10 सितंबर को भानवी सिंह ने अपने ट्वीट में कहा था, मैंने अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया है, लखनऊ में सुनवाई है। धोखाधड़ी के इतने पुख्ता सबूत हैं कि तय समय के भीतर फैसला आएगा। नियति का चक्र चल चुका है, अब एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने भानवी सिंह पर निशाना साधा है। एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने अपने ट्वीट को भानवी सिंह को टैग करते हुए लिखा, कोर्ट मुकदमा या जेल से डर नहीं लगता है भाभी साहब भानवी कुमारी, चिंता तो भद्री राज परिवार का सम्मान सरेआम उछाले जाने और बच्चों के भविष्य की है। आपने ये तो सोचा होता कि बेटियों का घर अभी बसाना है। बहुत से झूठे आरोप झेले, केस लड़े, न्याय ही मिला, कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। अक्षय प्रताप सिंह यही नहीं रुके, एक्स पर अपने दूसरे पोस्ट पर उन्होंने लिखा, भाभी साहब भानवी कुमारी, आप ट्विटर पर यूपी पुलिस से इंसाफ मांग रही हैं, ये भी बता देती कि आपने दिल्ली में हमारे इंद्रदेव पटेल, रामदेव यादव सहित माननीय रघुराज प्रताप सिंह समेत 6 समर्पित सहयोगियों पर पहले ही FIR दर्ज करा रखी है। हम भी चाहते हैं असलियत सामने आए, सांच को आँच नहीं। एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने भानवी सिंह को लेकर कहा कि एक महिला की जिम्मेदारी अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाने की होती है, उस पर आरोप लगा रही हैं। ऐसे में हम तो उस परिवार के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अक्षय प्रताप सिंह कह रहे हैं, भानवी सिंह ने कहा कि राजा भैया अपने बच्चों को पैसा नहीं देते। अभी हमने देखा बच्चों के खातों में आज से 15 साल पहले 30-30 लाख रुपए जमा हैं। वो किसका पैसा है? राजा भैया का ही पैसा है। राजा भैया के छोटे भाई अक्षय ने भानवी सिंह को लेकर कहा कि वो जितनी कंपनी और पैसों की बात कर रही हैं उतना तो राजा भैया गरीब की शादी करवाने में लगा देते हैं। इतना RTR हम लोग भरते हैं और वो आरोप की बात करते हैं जो खुद आरोपों से घिरी हैं।